नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। निजी कंपनी में अधिकारियों की ओर से प्रताड़ित किए जाने के कारण ऑपरेटर पद पर कार्यरत यमुनानगर के आजाद नगर के एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके इलाज के दौरान मौत हो गई और परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलते ही कंपनी की यूनियन के पदाधिकारी भी ट्रामा सेंटर में पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक राम कुमार की पत्नी श्यामली और कंपनी यूनियन के प्रधान धर्मपाल, उप प्रधान नरेंद्र राणा, महासचिव विजय प्रताप ने कंपनी के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर न्याय की मांग की। यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने बताया कि राम कुमार निजी कंपनी में पिछले 32 वर्ष से कार्यरत था और वो हार्ट का मरीज था। फैक्ट्री में सीनियर पर्सनल मैनेजर ओम प्रकाश और लैब मैनेजर मानस मिश्रा राम कुमार को मानसिक रूप से परेशान करते थे। गुरुवार दोपहर को राम कुमार ने जूस में डालकर कोई जहरीला पदार्थ ले लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर यमुनानगर में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जहां पर राम कुमार की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर रामपुरा पुलिस चौकी के जांच अधिकारी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। क्या मामला आज आपके साथ क्या हुआ, आपके आदमी के साथ क्या हुआ? मेरा आदमी के साथ ये हुआ, मेरा आदमी की 1.5 साल 2 साल नौकरी थी। क्या नाम है आपके आदमी का? राम कुमार। कितनी उम्र है? 56 के आस पास है। कहाँ काम करते हो? पहले क्या नाम है? मतलब मैं बोला नहीं आ रहा। फिर मेरा आदमी रोज जा रहा, कभी कह रहे 2 दिन के बाद बात होगी, कभी कह रहे मीटिंग होगी, कभी कुछ। मेरा आदमी इतना परेशान हो गया, कह लोन ले रखा उसने, कह रहा अगर मेरा लोन ना होता तो मैं रिजाइन दे देता, मगर इन्होंने कुत्तों की तरह दौड़ाया है। मिल वाले ने इनकी मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही, इतना धूप में जाता था आता था, इतना परेशान कर दिया। बहुत दुखी होकर धूप में आना जाना करके इतना बीमार पड़ गया, कुछ करने के। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? हादसा कैसे हुआ, क्यों उन्होंने पॉइजन खाया, किस वजह से खाया? ये ने कहा कि टाइगर प्राइवेट लिमिटेड का यूनियन प्रेजिडेंट इंटर जिला प्रधान। सर ये बताएं कि ये जो मामला आया है, ये क्या मामला है? ये मामला ये था, इसको जो है ना हार्ट पेशेंट मरीज था हमारा, और ये 4-5 साल से जो है ना हार्ट पेशेंट चला था। मैंने इसकी लाइन में ड्यूटी लगवाई थी और ये 4-5 साल वहाँ निकल गए इसके। अब उसको उत्पीड़ित किया गया, एक ओपी सिंह नाम का हमारे यहाँ पर्सन मैनेजर, उसने क्या कहा, इससे कहा भी जाना रात की ड्यूटी करते, मैं कोई बात नहीं रात नहीं आया कर, ये रात नहीं भी आया परेशान करने के लिए। उसके बाद क्या करा, कहा CMO का सर्टिफिकेट लो, उन्होंने कहा मैं नौकरी करने लायक हूँ, यहाँ मैंने फिटनेस लो। मैंने कहा जी CMO का सर्टिफिकेट ऐसे कैसे मिल जाएगा जब एडमिट नहीं है और ड्यूटी कर रहा। उसने एक महीने से जाना इसको उत्पीड़ित किया, इसकी ड्यूटी बंद कर रखी थी। बार बार मैं जाता था, अभी रुक जाओ 2-4 दिन, बल्कि हमारे ओवर है GM साहब है, उन्हें मेरे को 5-6 दिन पहले हम यूनियन के सारे अधिकारी मिले, उन्हें आश्वासन दिया चलो मैं बातचीत करके इसका रास्ता निकालता हूँ। ये परसों फिर ओपी सिंह के पास गया राम कुमार जी मिलने के लिए, उसने कहा मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है, उसकी वर्डिंग ये थी मिलने का टाइम नहीं है। और ये जाना हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।